स्कूल लोहारा फतेहपुर में वार्षिक वितरण समारोह स्कूल प्रधानाचार्य अजय जम्बाल की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। विधानसभा फतेहपुर के तहत पढ़ते लिटिल एंजल हाई स्कूल लोहारा फतेहपुर में वार्षिक वितरण समारोह स्कूल प्रधानाचार्य अजय जम्बाल की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। तो वो हैं जो जिनको हम लोगों ने मेन बुलाया हुआ है, हमारे बीच जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इनके साथ जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है, आप बोल सकते हो कि एक सिस्टम है कि जो भी हम लोगों ने पिछले एक साल कमाया है उस चीज को मैं आपके बीच लेके आ सकता। उस चीज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकेगा मैं उतना बेटर करूं। और एक्टिविटीज के लिए मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हमारे पास, जो अभी पहले हम लोग इतना नहीं ध्यान देते थे, हम लोगों ने उस चीज को भी आपके बीच लेके आना है। एकेडमिक का आपको पता है, आप सभी जानते हैं एकेडमिक का तो पेपर में आता ही रहता है कि कौन से स्कूल का बच्चा जो है ना कहाँ पे है। मुझे बहुत खुशी हुई, पीछे थोड़ा टाइम पहले मैं गया था फतेहपुर, तो वहां पे बात चली कि वहां पे किसी टीचर ने पूछा, बेटा खड़े हो जाओ जो 95 के करीब है, 90 to 95। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई कि हमारे वहां पे 5 बच्चे खड़े थे, सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे थे वहां पे जो कि 90 प्लस थे। पिछले साल का रिजल्ट मैं आप लोगों के बीच बच्चों को तो बाल्य अवस्था में ही, बच्चों का संस्कार जो है वो बाल्य अवस्था में ही बच्चे को आगे सिखाता है। जो माता पिता उनको संस्कार देते हैं और गुरुजन जो भी संस्कार देंगे उनको किताबों का कीड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि किताबों का ज्ञान के अलावा उनको नैतिक जिम्मेवारी, कर्तव्य और भी कर्तव्य का शिक्षा देनी चाहिए। उसके लिए बच्चों को उनके माता पिता और गुरुजन को उनको नशे से परहेज करना चाहिए, उनको घर में ही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो माता पिता शिक्षा देते हैं उसके अनुसार ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, माता पिता का ही है ना। तो सरता इस बारे गुरुजनों को उनको नैतिक शिक्षा के अनुसार उसको कर्तव्य और भेजना चाहिए, क्योंकि उनको उनको बताना चाहिए कि आप उनके नैतिक जिम्मेवारी के साथ किताबी कीड़े होने के बाहर उनको मोबाइल से भी दूर रखो, जिससे क्योंकि इसे 10वीं तक बच्चों को तो मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल के माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों को घर में मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा खेल रहा है, इसलिए वो शिक्षा जो माता पिता ही पहले दे रहे हैं उनको। माता पिता को चाहिए कि इससे बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि बच्चों को नैतिक कर्तव्यों की ओर भेजना चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं करना चाहिए कि हम इसको मोबाइल देके उसको बच्चे को संस्कार नहीं ऐसे देने चाहिए। बेटी को अपनी शुभकामना देना चाहता हूँ, और जिन्होंने मुझे बतौर चीफ गेस्ट यहाँ लिटिल एंजल स्कूल पब्लिक स्कूल में, पब्लिक हाई स्कूल में बुलाया, और इनके लिए मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं। एक जो बच्चा पढ़ के आया उसने ये स्कूल इंस्टीट्यूशन चलाया, और ये मेरे अपने गांव में मेरे लिए तो बड़ा शर्म का विषय है कि इतने छोटे से गांव में, इतनी जगह में इतने बच्चों को हाई स्कूल तक चलाना ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैनेजमेंट कमेटी और ये प्रिंसिपल अजय कुमार जो हमारे डेयरी कॉलेज से शिक्षित हुआ, तो शिक्षा का ये जो प्रभाव है इसके लिए इन्होंने प्रूव कर दिया है, ये प्रूव किया है, और मैं इन सब बच्चों को और इनको बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये आगे अपने भविष्य में सफल हों। इसके अलावा जो आजकल समाज में एक बड़ी कुरीति आ रही है, वो कुरीति है इस मामले में जो नशे की आदत पड़ रही है जो बच्चों में, तो मैं अभिभावकों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों को संभालें, और इस नशा का जो प्रचलन है इसको बंद करने में
सभी सरकारी संस्थाओं का सहयोग करें और इससे मुक्ति पाने के लिए सारा समाज इकट्ठा होकर अपना एक योगदान दे ताकि हमारे बच्चों को भविष्य को बचाया जा सके। जय जय माता।